हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के दीवानों के लिए ये काफी एक्साइटिंग मोमेंट्स होते हैं, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईपीएल के दौरान उन 5 मिस्ट्री गर्ल्स के फैक्ट्स जो रातों रात बन गई सोशल मीडिया स्टार, जिनके बारे में लोग उतने ही जोर शोर से डिस्कशन करते मिले जितना वो आईपीएल टीम्स के बारे में बातचीत करते देखे जाते हैं। नंबर 1, माल्टी चहर। दोस्तों, ये बात है साल 2018 की, जब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पुणे में मैच चल रहा था। तभी अचानक माल्टी चहर पर कैमरा जाकर अचानक रुक जाता है। इस इवेंट के गवाह लाखों लोग बने और सभी ये पूछते हुए मिले कि आखिर इतनी गॉर्जियस से दिखने वाली ये लड़की कौन थी। बाद में पता चला ये माल्टी चहर थी, जो चेन्नई के फास्ट बॉलर दीपक चहर की सिस्टर है और धोनी की हार्डकोर फैन भी। नंबर 2, अदिति हुंडिया। दोस्तों, आईपीएल 2019 के दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की मुस्कुराहट कैमरे में कैद हो गई। वो इतनी प्यारी थी कि तमाम दुनिया भर के लोग उसका नाम पूछने लगे। फाइनली ये पता चल गया कि ये ब्यूटीफुल गर्ल कोई और नहीं बल्कि साल 2017 की फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट अदिति हुंडिया थी, जो मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान अक्सर ऑडियंस के रो में देखी जाती थी। पर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद वो सुर्खियों में आ गई और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। नंबर 3, दीपिका घोष। दोस्तों, ऐसे ही साल 2019 के आईपीएल में हैदराबाद के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी को चीयर करती एक ऐसी लड़की को कैमरा ने कैप्चर किया, जिसने रेड कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहन रखा था। और इस ड्रेस में वो इतनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नजर आई कि सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर शेयर होते ही जैसे उसके फैंस की बाढ़ सी आ गई। हर कोई पूछ रहा था, हु इज शी, व्हाट्स हर नेम। बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि कोरियोग्राफर एंड कंटेंट क्रिएटर दीपिका घोष थी। रिपोर्ट की माने तो उस समय दीपिका घोष ने प्लेयर से भी ज्यादा हेडलाइंस अर्न कर ली थी। नंबर 4, दोस्तों, साल 2020 के 36वें आईपीएल मैच जो मुंबई इंडियंस व किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जा रहा था, उसमें ऑडियंस गैलरी में बड़ी बड़ी आंखों और बे इंतहा खूबसूरत चेहरे वाली एक लड़की का फोटो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आखिर फैंस ने पता लगा ही लिया कि उस मिस्ट्री गर्ल का नाम रियाना लवानी है। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों, ये मिस्ट्री गर्ल बिगिनिंग टिल एंड सनराइजर्स हैदराबाद को चीयर करती नजर आती रहती हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन हैं, जो सन ग्रुप के मालिक भी हैं। इस हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद काव्या की ही टीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।